हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर जयश्री डावरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी जे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट थर्ड का टॉपिक मसल कंट्रैक्शन पढ़ा था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे केमिकल ऑफ स्केलेटल मसल मसल फाइबर्स मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं इस टिश्यू का लगभग ट्वेंटी परसेंट पार्ट प्रोटीन होता है इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट वॉटर और रिमेनिंग फाइव परसेंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ग्लाइकोजन और उसके डेरिवेटिव्स, व अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं द प्रोटींस इन द मसल यानी कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे मसल प्रोटीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय दर इलास्टिसिटी विच कन्फर्स कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ दिस टिश्यू जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि थिक मायोफिलामेंट्स मायोसिन के बनी होती हैं और थिन फिलामेंट्स में एक्टिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पाए जाते हैं तो अब हम इन सभी प्रोटीन्स को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले मायोसिन मायोसिन मोस्ट अबेंडेंट मसल प्रोटीन है जो कि एक ग्लोबुलिन होता है यह बहुत बड़ा लंबा व पतला मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिकुलर वेट फाइव लैक्स तक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स शोज दैट मायोसिन कंसिस्ट ऑफ डबल हेडेड ग्लोब्यूलर रीजन ज्वाइंट टू अ रॉड रॉड डबल रॉड डबल स्टैंडर्ड एल्फा हेलिकल केबल होते हैं जो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी डिग्री आमस्ट्रॉन्ग लॉन्ग होती है ग्लोब्यूलर रीजन का डायमीटर नाइन्टी डिग्री आमस्ट्रॉन्ग होता है माइसिन इज स्प्लिट बाय ट्रिपसिन इंटू टू फ्रेगमेंट्स पहला हैवी मीरोमायोसिन एंड दूसरा लाइट मीरोसिनवी मीरोसिन का मोलिकुलर वेट थर्टी वन थ्री लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड होता है और इसमें ए टी पी एस एनजाइम के कैरेक्टर्स होते हैं लाइट मेरोसिन का मोलिकुलर वेट वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड होता है सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल में दो लाइट और एक हैवी मेरो होते हैं नेक्स्ट प्रोटीन आता है जो मसल में पाया जाता है वह है एक्टिन इस डायग्राम में मसल्स में हम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं एक्टिन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ थिन फिलामेंट लो आयनिक स्ट्रेंथ वाले सोल्यूशंस में एक्टिन अनेक ग्लोबुलर सब यूनिट्स के एग्रीगेशन के फलस्वरूप बनने वाला मोनोमेर के रूप में होता है जिसे जी एक्टिन कहते हैं पोलीमराइज्ड जी एक्टिन को फाइब्रस या एफ एक्टिन कहते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन मसल फाइबर्स के कुल प्रोटीन्स का तीन से आठ परसेंट तक ट्रोपोमायोसिन होता है जिसका मोलिकुलर वेट सिक्सटी वन थाउजेंड से लेकर वन लेख फिफ्टी थाउजेंड तक हो सकता है इस प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रोलिन और ट्रिप्टोफेन नहीं होते और यह दो रूपों में ए तथा बी में पाया जाता है फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटीन है ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल प्रोटीन है क्योंकि यह कैल्शियम आयंस की एब्सेंस में एक्टिन व मायोसिन की परस्पर क्रिया को रोकता है यह कैल्शियम आयंस के लेवल के अनुसार एक्टिन एक्टिविटी को रेगुलेट भी करता है नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे बायोकेमिकल इवेंट्स इन द मसल कंट्रैक्शन यानी कि मसल कंट्रैक्शन के दौरान कौन कौन से बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज ए टी पी बट किसी मसल में दिए गए समय पर यह केवल स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है ए को मसल्स में फॉलोइंग चार प्रोसेस द्वारा जेनरेट किया जा सकता है यानी कि ए जनरेशन के चार प्रोसेस होते हैं पहला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टप्स दूसरा मसल फॉस्फर्जेंस तीसरा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और चौथा मायो काइनेज एक्शन सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ

सेकेंड प्रोसेस है मसल फॉस्फेजेंस वर्टिब्रेट मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में हाई एनर्जी फॉस्फेट का बैकअप रिसोर्स होता है इस कंपाउंड में एटीपी की अपेक्षा एक हायर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल पाया जाता है अतः यह ए को एक हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर सकता है जिससे ए का पुनः निर्माण होता है इस तरह के हाई एनर्जी फॉस्फेट कैरियर कंपाउंड्स को फॉस्फाजेंस कहते हैं रेस्टिंग स्टेट में मेमेलियन मसल में एटीपी की अपेक्षा चार से छः गुना अधिक फॉस्फोक्रिएटिन पाया जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट से एडीपी में हायर एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफर क्रिएटिन काइनेज नामक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होता है यह रिएक्शन रिवर्सिबल होती है जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिकवरी पीरियड के दौरान ए के अवेलेबल होने पर क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है इसके लिए आवश्यक एनर्जी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होती है ए मसल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के साथ एक एक्टो मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बनाता है थर्ड प्रोसेस है ऑफ ए टी पी जेनरेशन इज कॉरीज साइकिल और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉरीज साइकिल मसल्स द्वारा अत्यधिक श्रम करने की स्थिति में कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड का एक्सपल्शन किया जाता है यह मेनली मसल्स व लिवर में होते हैं इन साइक्लिक चेंजेस को कॉरीज साइकिल कहते हैं इस कॉरीज साइकिल को हम वेरियस स्टेप्स के द्वारा समझ सकते हैं सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मसल के ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एनर्जी जनरेट होती है क्रैब साइकिल द्वारा ग्लाइकोलिसिस में उत्पन्न पायरोविक एसिड और लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यह लैक्टिक एसिड मसल फाइबर्स में कलेक्ट नहीं हो पाता लेकिन अत्यधिक श्रम वाली स्थिति में लैक्टिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है जो कि क्रैब साइकिल द्वारा इजीली एक्सपेल नहीं हो पाता और लैक्टिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा मसल फाइबर्स से ब्लड फ्लो में विसरित हो जाती है नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से विसरित लैक्टिक एसिड लीवर में पहुंचकर ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है लीवर में ग्लाइकोजन बनने का यह प्रोसेस मसल्स की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है नेक्स्ट स्टेप यह ग्लाइकोजन लीवर में ही दोबारा ग्लूकोज में चेंज कर मसल्स में पहुंचा दिया जाता है जहां यह वापस ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है तो यह थी लिवर और मसल्स के बीच संपन्न होने वाली कॉरीज साइकिल अब फोर्थ स्टेप आता है हमारा एटीपी जेनरेट करने वाला वो है मायोकाइनेज एक्शन इन मसल्स मसल्स में प्रेजेंट एंजाइम मायोकाइनेज को एटीपी के अन्य सोर्स का श्रेय दिया जाता है यह एडीपी के एक मॉलिक्यूल से एक हाई एनर्जी फॉस्फेट को एडीबी के दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर को कैटेलाइज करता है जिसके फलस्वरूप ए तथा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि ए उत्पन्न होते हैं अब आता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हक्सले और टेलर ने 1958 में हक्सले एंड टेलर इन 1958 हैव स्टडीड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बेस्ड ऑन द कंपाइंड कॉम्बाइंड ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रोफिजोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ कैल्शियम आयन्स इस पूरे प्रोसेस को भी हम स्टेप वाइज समझेंगे सबसे पहले सार्कोलेमा स्टूमुलेट होती है सोडियम व पोटेशियम के डिफरेंट आयंस के मोबाइल होने से सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हो जाता है डीपोलराइजेशन की यह वेव सार्कोलेमा पर पाए जाने वाले ट्रांसवर्स टिब्यूल्स की ओपनिंग से मसल के अंदर प्रवेश करती हैं यही वेव्स क्रमवार साइको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन का भी डीपोलराइजेशन कर देती है क्योंकि टी टिब्यूल का क्योंकि टी टिब्यूल व सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का पारस्परिक संबंध होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपने अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है जो कि इस डीपोलराइजेशन के फलस्वरूप बाहर निकाल दिए जाते हैं ये कैल्शियम आयन्स बाहर सार्कोप्लाज्म में आते हैं सार्कोप्लाज्म में मिल, मिलने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल मशीन या मायोसिन फाइबर्स को ये कैल्शियम आयन्स इंड्यूस करते हैं जिसके कारण व मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है जब खत्म हो जाता है तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में आए कैल्शियम आयन्स को पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वापस भेज दिया जाता है इन आयंस को कंसंट्रेशन के विरुद्ध पंप किया जाता है इसलिए एनर्जी की आवश्यकता होती है कैल्शियम पंप इस काम में हेल्प करते हैं अब यहां पर हम लास्ट में समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं यहां पर हम करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हग्सले और एफ ए हग्सले द्वारा नाइनटीन सिक्सटी फाइव में प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इसके अनुसार मसल कॉन्ट्रैक्शन दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स एक्टिन व मायोसिन की सेल में उपस्थिति पर डिपेंड करती है इन दोनों सेट्स के फाइबर्स सबसे पहले क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं इन क्रॉस ब्रिजेस के मोबाइल होने से ही एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं यहां पर सामने दिखाए गए डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि सभी बैंड्स हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ए बैंड आई बैंड एच जोन एंड जेड जोन दिस मूवमेंट रिक्वायर्स ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हक्सले ने 1958 में प्रूव किया था कि कंट्रैक्शन में ए बैंड की लेंथ तो उतनी ही रहती है परंतु इनके दोनों साइड्स की आई बैंड्स की एक्टिन रोड्स मायोसिन रोड्स के हुक्स पर बनते बिगड़ते क्रॉस ब्रिजेस की हेल्प से सारकोमियर के बीच की ओर खिसक कर एम लाइन तक पहुंच जाते हैं या यूं कहें कि इनके एंड्स एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करते हैं इस प्रकार सार्कोमियस के छोटे हो जाने से मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं स्टिमुलस पॉइंट से स्टार्ट होकर मसल फाइबर में दोनों ओर रिट्रैक्शन की लहर सी दौड़ जाती है रिट्रैक्शन में दोनों ओर की जेड लाइंस ए बैंड की मायोसिन रोड्स को छूने लगती हैं अर्थात आई बैंड्स और एच एरिया डिस्प्लेस हो जाते हैं और मसल फाइबर की लेंथ घटकर टू थर्ड रह जाती है यहाँ डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में है जिसमें हमें सभी एरियाज क्लियरली दिखाई दे रहे हैं नीचे वाला पोर्शन हमें दिखा रहा है कंट्रैक्टेड मसल फाइबर जिसमें आई और एच एरियाज डिस्प्लेस हो गए हैं मसल कंट्रैक्टेड हो गई है तो इस डायग्राम से हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्लियरली समझ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मसल कंट्रैक्शन का सेकेंड पार्ट और मसल कंट्रेक्शन टॉपिक खत्म होता है